सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, टीम इंडिया की जीत की खुशी में आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। बांग्लादेश को बुधवार को निदाहा। टी20 ट्रॉफी में टीम इंडिया के हाथों 17 रन की शिकस्त का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 176 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेशी की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 159 रन ही बना सकी। बांग्लादेश की टीम लक्ष्य का पीछा करने के दौरान शुरुआत से ही बैकफुट पर नजर आई। उसके शीर्ष तीन बल्लेबाज पावर प्ले के अंदर ही पवेलियन लौट गए। मैच गंवाने से निराश बांग्लादेशी कप्तान महमूदुल्लाह ने कहा, हमने प्रयास किया लेकिन किसी एक बल्लेबाज को योगदान देने की जरूरत थी। हमें आक्रामक शुरुआत चाहिए थी लेकिन जल्दी विकेट गंवाने से लय बिगड़ गई। महमूदुल्लाह ने आगे कहा, अगर हम एक ओवर में 10 रन से कम खर्च करते तो भी जीत सकते थे। बॉलिंग के समय हमारी योजना ज्यादा से ज्यादा यॉर्कर गेंदें डालने की थी लेकिन हम इस पर पर्याप्त काम नहीं कर सके। हालांकि महमूदुल्लाह ने श्रीलंकाई टीम को मैच से पहले कड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा, हमारा पूरा ध्यान श्रीलंका के खिलाफ मैच पर लगा है। हम उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे और मुकाबला जीत कर फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप हमारे नेगा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करिए और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। धन्यवाद।